परफेक्ट. ये जो घर की खवातीन होती है ना काम करने वाली, इनको आइडिया होता है यूं कितनी चुटकी में डालना है क्या करना है. हम लोग नाप रहे होते हैं कि एक चम्मच पूरा और है ना. हम ना वैसे अब क्या क्या अच्छा बनाती हैं? सब कुछ अच्छा. हाँ. कोई स्पेशल जो आपको ये मैं चॉपस्टिक्स बहुत अच्छी बनाती हूँ. हाँ. चांपे पाए. अच्छा जी. चांपे पाए कुन्ना कुल्फा गोश पंजाबी डिश है. कुल्फा गोश कुल्फा साग पालक की फैमिली होती है साग. और मैं बनाती हूँ बहुत ही जबरदस्त पसंदे करेले. नहीं करें यार अम्मा ऐसा करेंगी तो फिर मैं आपसे कहना पड़ेगा कि अफ्तार में आप फिर रोज कुछ ना. लेकिन आप तो उससे बिजी होती हैं दिन. नहीं मैं अफ्तार से पहले घर चली जाती. चली जाती है नहीं उसको कहा सकता है तो बस फिर एक एक चीज तो पड़े में बस तो फिर देखिएगा कुछ. डन. आप लोग कितने बजे यहाँ से फारिग होते हैं? हम लोग 7 बजे अफ्तार करके उसके बाद चले जाते. मैं तो नमाज पढ़ता हूँ. बाकी लोग भी जो नमाज पढ़ते हैं उन्होंने घर पढ़नी होती है. किसी ने जाना तो जैसे महम वगैरह या बहुत सारे लोग जैसे बच्चे हमारे आते हैं किसी ने शूट पे जाना है सही. वो डिपेंड करता है वरना फिर यहीं. बाकी कुछ लोग यहाँ नमाज इफ्तार पे हम इकट्ठे होते हैं. सही. इफ्तार पे सब इकट्ठे होते हैं. अफ्तार के बाद फिर सब आज़ाद होते हैं. अच्छा. जो जहाँ जाना चाहे जा सकता है. और ये मेरा तो डिजर्ट बन गया है ओरियो तिरामिसु पार्फे. आप इसके अंदर लेयर्स जो हैं वो ऑल्टरनेट कर सकते हैं. अच्छा इसके अंदर थोड़ा पानी डालेंगे फरहान. थोड़ा पानी. अच्छा पानी डालने की तरकीब जो है वो ये है कि पानी डालें और तब तक डालें जब तक पानी एक उंगली बराबर चावल से ऊपर ना आ जाए. चावल से ऊपर आ जाए. okay. और चावल मतलब अगर आप पानी में उंगली डालें और थोड़ा और. हाँ अच्छा डिपेंड ऑब्वियसली ये भी करता है कि आप चावल की कौन सी क्वालिटी यूज कर रहे हैं. बासमती है या ये पकाने वाली खातून हैं तो ये आपको बता सकती हैं. सेले के अंदर पुराना चावल तो बहुत अच्छा होता है. सब कुछ कुछ तो मुझे सेला वैसे ज्यादातर जर्दे के लिए मतंजन के लिए इनके लिए होता है बिरयानी के लिए. जी